नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल की एक और वीडियो में आप सबका बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भी एक रेयर टॉपिक के बारे में है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, पर लोगों को पता ही नहीं है कि इस प्रॉब्लम को कहते क्या है। ये एक स्किन डिजीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये बिल्कुल एपिडिडाइमल सिस्ट जैसा ही टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया और आप सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद करा। तो दोस्तों, उसका जो लिंक है ऊपर मैं कार्ड में दे दे रहा हूं, प्लीज आप जाइए उसको वीडियो को चेकआउट करेंगे। बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने पसंद करा क्योंकि एपिडिडाइमल सिस्ट एक ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों के अंदर है, उनको पता ही नहीं है ये क्या है, उनको यही नहीं पता कि इसको कहते क्या है, एपिडिडाइमल सिस्ट क्या होता है, क्यों होता है। तो जब ऐसे रेयर बीमारी के ऊपर, जो रेयर नहीं है, जो सिर्फ नॉलेज वाइज रेयर है, लोगों को उसका भ्रांति नहीं है, उसका होने का पता नहीं है, बीमारी रेयर नहीं है, बीमारी बहुत कॉमन है पर उसके बारे में जानकारी रेयर है, तो ये भी जो है वीडियो ये एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में है जिसको हम कहते हैं मास्टोसाइटोसिस। पता है नहीं पता है, मैं बताता हूं। तो दोस्तों, सीधे हम वीडियो में चलते हैं। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो है मास्टोसाइटोसिस के बारे में। और मास्टोसाइटोसिस में चैलेंज कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस बारे में नहीं जानते होंगे कि एग्जैक्टली मास्टोसाइटोसिस क्या होता है, ये किस तरह का दिखता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और इसका होम्योपैथिक एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज मास्टोसाइटोसिस। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आते हैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग देख पा रहे हैं इस स्क्रीन को। और इस स्क्रीन के अंदर हम सबसे पहले मास्टोसाइटोसिस की परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मास्टोसाइटोसिस। मास्टोसाइटोसिस इज अ कंडीशन वेयर द सर्टेन इम्यून सेल्स कॉल्ड मास्ट सेल बिल्ड अप अंडर द स्किन एंड या फिर और इन द बोन, इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन। मास्टोसाइटोसिस, साइटोसिस जब भी लगता है किसी भी बीमारी के नाम के आगे तो व्हाट दैट डिफाइंस साइटोसिस का क्या मतलब होता है। साइटोसिस मतलब कोई भी स्पेसिफिक टाइप के सेल्स का बढ़ जाना, जैसे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का क्या मतलब है भाई, WBC जब बढ़ जाते हैं इंफेक्शन वगैरह में तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जो साइटोसिस रिप्रेजेंट फॉर द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ सेल, और जो भी ये सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो उसका नाम आगे लग के साइटोसिस लग जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया ल्यूकोसाइटोसिस। तो व्हाट इज मास्टोसाइटोसिस, मास्टोसाइटोसिस का मतलब होता है मास्ट सेल जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, ठीक है ना। मास्ट सेल इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होते हैं और ये जो होते हैं इम्यून सेल्स होते हैं, जब कोई भी स्पेसिफिक जगह पे मास्ट सेल की संख्या बढ़ जाती है एक छोटे से एरिया में, दैट इज व्हाट इज नोन एज द मास्टोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये कहां कहां बढ़ सकती है, हमको क्या बताया गया भाई, स्किन पे बढ़ सकती है, बोन्स में बढ़ सकती है, देखिए स्किन पे बढ़ सकती है, बोन्स में बढ़ सकती है, इंटेस्टाइन या किसी भी ऑर्गन में बढ़ सकती है। दिस एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द मास्ट सेल कॉसेस अ रेंज ऑफ सिम्टम, ये बहुत लंबी रेंज ऑफ सिम्टम इसके कारण होती है, इंक्लूडिंग द ईची बंप। ये देखिए, ये समझने वाली चीज है जिसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं, ईचिंग बंप ऑन द स्किन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज सच एज द डायरिया एंड बोन पेन हो सकते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं मास्टोसाइटोसिस की। अब इसकी हम कुछ इमेजेस देखते हैं, हम स्पेसिफिकली वो इमेज देखेंगे जो हमारे काम आएंगी, ठीक है ना, कि मास्टोसाइटोसिस में जनरली क्या होता है। देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ये आप ये देख रहे हैं, ये बैक का जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं, जो बैक का है, हम लोगों में से लाखों लोगों को, हम लोग अक्सर ये फील करते हैं कि हमको एक ईची बंप, देखिए जो परिभाषा में भी बता रहा है ना, वो आप देखिए परिभाषा में क्या बता रहा है, कि परिभाषा में ये बोल रहा है इंक्लूडिंग क्या, सिम्टम, रेंज ऑफ सिम्टम इंक्लूडिंग ईची बंप। ये ईची बंप पे आप लोग फोकस करिएगा, बाकी पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि बाकी जगह ये होगा तो ये स्किन पे होता तब तो इसका डायग्नोसिस हो नहीं पाता, बाकी जगह कैसे डायग्नोसिस होगा हमको नहीं पता, ठीक है ना। कहने का मतलब है ईची बंप, ये बीमारी का मैंने जो अपना एक निकनेम दिया है कि दिस इज व्हाट इज नोन एज द ईची बंप। बंप मतलब एक एलिवेशन ऑन द स्किन,
और ईची मतलब दैट एलिवेशन ऑन द स्किन इज एसोसिएटेड विद द ईचिंग। और मेरा जो पॉइंट है इसके पीछे वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग, आम जनता भी, पेशेंट्स भी, स्किन डिजीज के पेशेंट भी, अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस चीज से ग्रस्त होते हैं और इसको महसूस करते हैं। ये कैसे होता है कि मेरे को कहीं पे खुजाल चली, तो पहले मेरे को एक हल्की सी खुजाल चलती है, बहुत हल्की फुल्की ईचिंग। अब वो ईचिंग से मेरे को छोटा सा एक दाना दिखता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो दाना होता है वो दाना एक एलिवेशन में तब्दील हो जाता है, एक बंप में तब्दील हो जाता है, एंड फॉर द सर्टेन नंबर ऑफ नेक्स्ट कमिंग डेज वो जो बंप होता है वो साला खुजाता है। और हम लोग प्रेम से खुजाते हैं और फिर बात करते हैं भगवान जाने क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, क्या हो गया। उसमें से कई बुजुर्ग लोग बड़ी अच्छी बात बोल देते हैं, घर में कुछ नहीं बेटा, कुछ एलर्जी हो गई होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है आप लोगों को कि यहाँ पे जो इसकी परिभाषा में ये चीज बोली जा रही है कि मास्टोसाइटोसिस इज द कंडीशन वेयर द सर्टेन इम्यून सेल कॉल्ड मास्ट सेल बिल्ट अप अंडर द स्किन। अब मास्ट सेल का काम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए एक आम आदमी के लिए, और जो डॉक्टर्स होंगे उनको तो पता ही होगा कि मास्ट सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली हिस्टामिन को सिक्रीट करते हैं। हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स को कंडक्ट करने वाला केमिकल होता है। तो जो एलर्जी को कंडक्ट करने वाला केमिकल होता है हिस्टामिन, वो जो पैदा किया जाता है, वो जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो करा जाता है किसके द्वारा? वो करा जाता है मास्ट सेल के द्वारा। ठीक है, तो जब भी मास्ट सेल का एग्रीगेशन ज्यादा होगा तो मास्ट सेल रप्चर होते हैं, और वेन एवर द मास्ट सेल गेट रप्चर्ड दे सिक्रीट द हिस्टामिन, एंड दिस हिस्टामिन इज द एलर्जेंस। ये एक एलर्जेंस होता है और ये एलर्जी करता है। इसी फिनोमिना को थोड़ा सा और हल्के लेवल पे समझने के लिए आप लोगों ने अर्टिकेरिया का नाम सुना होगा कि पित्ती उछल जाना, जो पित्ती ददोरे उछल जाते हैं ना एकदम से बैठे बैठे, पता चले बड़े बड़े वाइल्स आने लग गए, ददोरे आने लग गए, खुजली हो रही है, सूजन आ गई, लाल हो गया, खुजली चल रही है, पिन जैसी चुभ रही है, वो जो ददोरा होता है दैट इज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल। मास्ट सेल एकदम से हिस्टामिन रिलीज करता है और वो हिस्टामिन पूरी शरीर के अंदर जितने एरिया में है वहां पे खुजली पैदा करता है। इसी को हम नेटल रैश बोलते हैं, नेटल रैश है इसका नाम, इसका नाम अर्टिकेरिया है, इसका नाम पित्ती उछलना है, इसका नाम सीत आना है। ये वो चीज है जिसमें आप लोगों को पता होगा जनरली वो कंबल उड़ा देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं कि पित्ती शांत हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल। ये मैंने क्यों दिया आपको? ये मैंने इसलिए दिया कि मैं आपको मास्ट सेल का काम बता सकूं कि मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करते हैं इन द सर्टेन कंडीशन, एंड दिस हिस्टामिन इज द एलर्जेंस, और ये एलर्जिक ईचिंग पैदा करता है। तो व्हाट इज मास्टोसाइटोसिस? और मास्टोसाइटोसिस बेसिकली क्या है दोस्तों, कि मास्टोसाइटोसिस इज द कंडीशन वेयर दिस मास्ट सेल जो होते हैं ये स्किन के अंडर एक स्पेसिफिक एरिया में बिल्टअप होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं आप इसको बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये मुझे कैसे पता चला? ये भी एक एक्सीडेंटल घटना है, आपको पता होना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट था जो अभी भी है, जो अपनी वेस्ट होती है जहां पे बेल्ट बांधते हैं उसको दोनों तरफ एक रुपए के सिक्के, दो रुपए के सिक्के के बराबर बंप, मतलब एक एलिवेशन है उसके स्किन में, और वो जो एलिवेशन है वो मेरे पास आने के 6 साल पहले से था इसको, और उस एलिवेशन में उतनी उतनी जगह इसको भयंकर खुजली चलती थी, और इस चक्कर में उसको बेचारे को इतनी खुजली चलती थी कि अपने रिश्तेदार के पास गर्मियों की छुट्टी में एम्स दिल्ली गया, तो दिल्ली में गया तो वो रिश्तेदार इसको एम्स दिल्ली लेके गया, और एम्स दिल्ली में इसकी उनने करी बायोप्सी करी स्किन की। तो सोचिए कितना टफ है इसका पता लगाना, बहुत टफ है क्योंकि इसके लिए सीधे सीधे स्किन की बायोप्सी करनी पड़ती है। जब उसकी स्किन की बायोप्सी करी तो पता चला कि दिस इज व्हाट इज नोन एज द मास्टोसाइटोसिस। फिर वो मेरे पास आया, मैंने उसका इलाज करा, और जब मैंने उसको सही कर दिया तो मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपको एक वीडियो बनाऊं। मेरे को उसको सही करने में लगभग साल भर से ऊपर लगा क्योंकि एक एलर्जी का एक टाइप है। मास्टोसाइटोसिस कैन बी रिगार्डेड एज द लोकल एलर्जी, कि लोकल एरिया में छोटा सा बंप उठेगा, मतलब एलिवेशन उठेगा, और उसके अंदर मास्ट सेल्स होंगे, वो मास्ट सेल हिस्टामिन समय समय पर रिलीज करेंगे, तो वो सुत्ते उत्ते हिस्से में ईचिंग होगी। और मेरा पॉइंट है इस वीडियो को बनाने के पीछे कि आप लोगों को बताऊं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने, हम में से ज्यादातर लोगों ने इसको अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस करा है,
और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था कि व्हाट इज मास्टोसाइटोसिस, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो लोगों को मेडिकली लिटरेट करना है, ठीक है ना। अब बिना कोई बकवास के हम सीधे सीधे आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। अब एज ऑल यू नो कि व्हाट इज मास्टोसाइटोसिस, मास्टोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एलर्जी, मास्टोसाइटोसिस इज द कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अर्टिकेरिया। जैसे अर्टिकेरिया होता है तो उसके अंदर पूरे शरीर के मास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं और वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, उसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली होती है, कुत्तों को जैसा खुजाता है, वो बाइस चकत्ते वकत्ते उठाते हैं, है ना। तो उसी का एक कंसेंट्रेटेड रूप है इन द कंसेंट्रेटेड स्मॉल पोर्शन में, दिस इज व्हाट इज नोन एज द मास्टोसाइटोसिस। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी करप्शन है, जिस तरह से अर्टिकेरिया एलर्जी करप्शन है, इन द सेम मैनर मास्टोसाइटोसिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। और इसके लिए भी होम्योपैथिकली जिन लोगों को पता है कि वॉट आर द मेडिसिन फॉर अर्टिकेरिया, द सेम मेडिसिन विल बी इंडिकेटेड हियर ऑल्सो, है ना। इन कंजंक्शन विद दोज मेडिसिन वी शुड डिप्लॉय सम सॉर्ट ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉर द सेक ऑफ द प्रोक्योरेशन ऑफ सोरा। तो अब मेडिसिन इसके लिए जो है, द फर्स्ट मेडिसिन इज द एपिस मेलिफिका, 30 पोटेंसी में देना है, चार चार गोली दिन भर में 3 बार। द सेकेंड मेडिसिन इज वेरी क्लिनिकल मेडिसिन जिसका नाम है हिस्टामिन 30। हिस्टामिन से ही बनती है ये, जो हिस्टामिन मास्ट सेल जो एलर्जी में सिक्रीट करते हैं उसी हिस्टामिन से बनती है हिस्टामिन 30। हिस्टामिन को 30 पोटेंसी में हमको देना है चार चार गोली 3 बार। और दोस्तों एट द रेगुलर इंटरवल पे आपको आर्सेनिक एल्बम देना है, क्यों, सोरामायसम को कवर करने को, क्योंकि ये दोनों मेडिसिन जो है वो बड़ी शॉर्ट एक्टिंग है, क्योंकि एपिस अपने आप में कहीं ना कहीं सोरा पे उतना काम एपिस का है नहीं, और हिस्टामिन क्लिनिकल मेडिसिन है। तो अगर हमने ये दोनों से सिर्फ इन दोनों से पिल पड़ेंगे बीमारी पे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सही तो करेंगे पेशेंट को पर वो जो क्योर है वो जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए आर्सेनिक एल्बम 200 पोटेंसी में वंस अ वीक, मतलब ट्रीटमेंट के शुरुआत में खुराक दे दीजिए और ट्रीटमेंट के स्टार्टिंग में देने के बाद उसी दिन आप हफ्ते में एक बार 200 पोटेंसी का डोज दे दीजिए। और हर बार की तरह समय को लेकर जो मैं बात बोलता हूं कि इलाज कितना करना है उसका एक स्टेटमेंट है, अगर कई सालों की प्रॉब्लम है तो कुछ महीने इलाज करेंगे, कुछ महीनों की प्रॉब्लम है तो कुछ हफ्ते इलाज करेंगे, कुछ हफ्तों की प्रॉब्लम हो तब भी मिनिमम 1-2 हफ्ते ट्रीटमेंट करना है। और आप लोगों को डेफिनेटली इस बीमारी से निजात मिलेगा इन दवाओं से। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।